नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, शबनम केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सामने। दोस्तों, शबनम के चाचा चाची जो हैं, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि शबनम का चाचा चाची नहीं चाहते कि शबनम को उम्र कैद हो, यानी वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि शबनम बाहर आए किसी भी तरह से। वो बार बार ये कह रहे हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और यहाँ तक कि जब शबनम को फांसी दी जाएगी उसके बाद उसकी बॉडी को भी नहीं लेंगे वो। ये एक सबसे बड़ी बात उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शबनम के चाचा चाची ने प्रॉपर्टी के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही है। ये इस वीडियो में आपको बस दो मिनट के वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और वो रेगुलर देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक दिन का अपडेट आपको हर एक समय मिलता रहे। और भी बहुत सारे न्यूज़ अपडेट हो रहे हैं, तो आप लोग जा करके ज़रूर देखना। हर एक अपडेट, चाहे कोरोना से रिलेटेड हो, चाहे यूपी इलेक्शन से रिलेटेड हो, हर एक कुछ आपको बस हमारा चैनल ही सबसे पहले दिखाएगा। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, शबनम केस में हर एक दिन कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलता ही रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ ये चर्चा होती रहती है कि शबनम ने आज ये किया, शबनम के तरफ से आज ये बयान आया। तो बहुत कुछ आपको हमारा चैनल बताता रहता है हर एक दिन। लेकिन आज इस केस में शबनम के चाचा चाची ने प्रॉपर्टी के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि शबनम का चाचा चाची का प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक नहीं है। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो शबनम के प्रॉपर्टी के ऊपर शबनम का बेटा ताज का हक है। लेकिन शबनम के चाचा चाची ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ताज को नहीं देना चाहिए, ये प्रॉपर्टी जो है उन लोगों को ही देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उन लोग के ऊपर कोई भी किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई, या कह सकते हैं कि कानून के नज़र में वो लोग गुनहगार नहीं है। साथ ही वही एक वो इंसान है जो इस प्रॉपर्टी की रखवाली कर सकता है, देखभाल कर सकता है, क्योंकि ताज जो है वो बहुत ही छोटा है, और इसीलिए ताज को इस चीज़ इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि शबनम के जो चाचा है उसने एक सबसे बड़ा बयान दिया है। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग हर एक दिन अपडेट जानना चाहते हो। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और एक बात, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हथरस केस के ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो बहुत ही जल्द आपको हथरस केस के ऊपर भी अपडेट मिलने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि हथरस केस जो है वो पूरी तरह से थम गया है, यानी सुनवाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लेकिन कुछ अपडेट ऐसा है जो मैं आपको बहुत ही जल्द आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पे जरूर बने रहें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख देना। दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।